मैं ठाकुरदास प्रधान ग्राम पंचायत थली आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी से जागरूक रहे हुआ जो लोग बीमार है वो भी जल्दी स्वस्थ हो ऐसी शुभकामनाएं करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। विकास खंड करसोग की दुर्गम ग्राम पंचायत सरत ओला के 5 वार्डों में आज़ादी के बाद अभी तक कोई भी वार्ड सड़क सुविधा से नहीं जुड़ा है। यहां तक कि पूरी पंचायत में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बावजूद इसके दुर्गम क्षेत्र में विकट परिस्थितियों की चुनौतियों को पराजित करते हुए स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्य टीम शुक्रवार को 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए दुर्गम क्षेत्र में पहुंची और लगभग 43 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य टीम से कला ठाकुर ने बताया कि वह पथरीली पगडंडी पर झाड़ियों को पकड़ते हुए सरत ओला पहुंचे, परंतु कुछ स्थान पर वापस पहाड़ी से उतना नामुमकिन था। इस हालात में जेसीबी के बकेट में बैठकर पहाड़ उतरने के लिए सहयोग किया गया, जिसके चलते ये मिशन सुरक्षित पूरा कर लिया गया है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत सरत ओला, हमारे यहाँ आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बीएमओ साहब करसोग के एक बार के आग्रह करने पर बीएमओ साहब ने टीम भेजकर हमारे ग्राम पंचायत सरतेवाड़ा के लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा पंचायत हेडक्वार्टर में उपलब्ध करवाई। मैं विशेष तौर पर बीएमओ साहब का आभारी रहूँगा, वो उनकी द्वारा भेजी गई टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने आए। विशेष रूप से मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि मंत्रिमंडल में पिछली बैठक में हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र का स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसको मैं शीघ्र नोटिफिकेशन करने की सरकार से मांग करता हूं। और दूसरा, हमारा ग्राम पंचायत सरतेवाड़ा अति दुर्गम पंचायत होने के बावजूद पिछड़ी पंचायत घोषित नहीं है। हमारी पंचायत का एक भी वार्ड अभी रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा सरकार से, प्रदेश सरकार से ये भी आग्रह रहेगा कि हमारी पंचायत को पिछड़ी पंचायत घोषित की जाए। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के लिए रोड का काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है 6-7 वर्षों से, जिस कारण 6-7 वर्ष। विधायक हीरा लाल ने इस मामले पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है तथा तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत जल्द पुरस्कृत किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम सरतेला में कल जो बुजुर्गों को वहाँ पर जो 45 साल से ऊपर के थे उन्हें वैक्सीन लगाया गया, और वहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने और इसमें जेसीबी के बॉक्स में जा कर के वो कार्य किया, सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में उनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। और सड़क भी वहाँ पहुँच रही है? हाँ, सड़क पहुँच रही है, बहुत ही जल्दी जल्दी में पीएमजीपीआई की सड़क वहाँ पर पहुँच रही है। धन्यवाद।
करसोग वैली हाई स्कूल करसोग, एडमिशन ओपन। नर्सरी से दसवीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक, ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास, ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस, साइंस एक्टिविटीज, होम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, हफ्ते के सातों दिन अध्यापक उपलब्ध और नए प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा को और रोचक और आसान बनाना। हमारा प्रयास कि बच्चे क्लास एनवायरनमेंट को मिस ना करें।